अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ज्यूरिंग की बुक का चैप्टर है डायोड्स एंड पावर सप्लाई। तो इसका पहला एमसीक्यूज कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड हैज़ करेक्टरिस्टिक क्लोज टू दैट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो हमें पता है कि वोल्टेज सोर्स कैसे बनाते हैं। जब ने वोल्टेज सोर्स ही बनाना होता है तो एसी पावर सप्लाई के बाद हमारे पास डायोड होते हैं, नॉर्मल डायोड, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए जो होता है वो जीनर डायोड होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज करेक्टरिस्टिक क्लोज टू दैट ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स। अच्छा, इसमें ये है कि जो हमारा कॉमन बेस होता है ना। अच्छा, तो सेकेंड एम सी क्यूज में वो पूछ रहा है कि कौन से डिवाइस है जिसकी करेक्टरिस्टिक्स आइडियल करंट सोर्स की तरह है। तो जो कॉमन बेस मोड है उसका मतलब है इनपुट एमीटर पे दे रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर से। तो कॉमन बेस में क्योंकि हम आउटपुट ले रहे होते हैं कॉमन कलेक्टर से, विच इज़ द हाई इनपुट हाई आउटपुट इम्पीडेंस साइड। तो कलेक्टर की तरफ देखें, हाई आउटपुट इम्पीडेंस साइड, और इनपुट आ रही है आपकी लो इनपुट इम्पीडेंस साइड से। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ना, ये आइडियल करंट सोर्स के तौर पे बिहेव करता है, टेकिंग आउटपुट फ्रॉम द हाई आउटपुट इम्पीडेंस साइड दैट इज़ द कलेक्टर, और इनपुट जा रही होती है लो इनपुट इम्पीडेंस साइड यानी एमीटर की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर थर्ड में वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ये सिंबल जो है, ये कौन से डायोड का सिंबल है। तो ये एक डॉट के साथ ही हमारे पास एक गैस डायोड का सिंबल है, और ये करेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज इनपुट करेंट वोल्टेज करंट की करेक्टरिस्टिक किस डायोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये भी हमारे पास गैस डायोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। गैस डायोड जो है उसमें कैथोड एनोड होते हैं, मेटेलिक होते हैं, और जो कैथोड होता है वो ऑक्साइड का होता है। तो उसमें ऑक्साइड जो है उसको हीट करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अमिट होकर एनोड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट, एवलांच ब्रेक डाउन इन अ सेमी कंडक्टर डायोड ऑकर्स व्हेन। एवलांच का ताल्लुक होता है रिवर्स बायसिंग से, सो व्हेन रिवर्स बायस एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू। तो उस केस में हमारा जो डायोड होता है ना वो ब्रेक कर जाता है। फिर जो द फॉलोइंग फाइंड्स एप्लीकेशन इन लाइट मटीरियल, कौन सा यूज़ होता है लाइट इमिटिंग डायोड में, दैट इज़ गैलियम फॉस्फाइड, और जो इन्फ्रारेड LEDs होती हैं ब्लैक कलर की उसमें गैलियम आर्सेनाइड यूज़ होता है। जीना डायोड हैज़ अ शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज, ये नॉर्मल डायोड से डिफरेंट होता है। इसका लो रिवर्स वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है जिसमें वो एज अ रेगुलेटर काम करना शुरू कर देता है। LED नॉर्मली वर्क्स ऑन द वोल्टेज ऑफ 1 to 2 volts। वैसे तो इसका 3.3 ऑपरेटिंग वोल्टेज है, लेकिन 10 इज मच ग्रेटर, सो 1 to 2 volt इज द ऑप्शन। द पावर कंजम्पशन ऑफ LED मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये मिली एम्पेयर्स में होती है, 5 to 10 mA। LED do not require LED को हीटिंग वार्मअप टाइप कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसको जैसे यूनिट डायरेक्शनल करंट मिलता है वो ग्लो करना शुरू कर देती है। ऑप्शन सी, ज़ीनर डायोड हैज़ अ शार्प बीम, यहाँ से रिपीट हो रहा है। द कंडक्शन इन SCR कंट्रोल, SCR जो है वो हमारा डायोड जो होता है वो अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। तो SCR हमारी एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, कंट्रोल्ड डिवाइस है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। तो ये कंट्रोल कैसे होता है, ये गेट के थ्रू कंट्रोल होता है। डायोड में सिर्फ एनोड के थोड़े, लेकिन SCR में हमारे पास एक थर्ड टर्मिनल है, दैट इज़ द गेट टर्मिनल। व्हेन SCR इज कंडक्टिंग तो डेफिनेटली उसकी लो रेजिस्टेंस होगी। द करेक्टरिस्टिक्स थायरिस्टर की क्लोजली रिजेंबल करती है थायराटान गैस ट्यूब से। SCR से पहले जो थायरिस्टर से पहले मेरे पास ये SCR जो था उससे पहले थायराटान ट्यूब थी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी चीज़ें आ गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर लेयर डायोड। अच्छा, फोर लेयर्स होती हैं ट्रैक में ना, हमारे पास 5 layers हैं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इसी बुक में मैंशन भी है। इसने इसका आंसर डाइक किया। डाइक में भी 4 layers ही होती हैं। SCR और थायरिस्टर तो है ही एक चीज़ का नाम। ये ट्राइक का देखिए 5 layers हैं इसमें, 3 terminals। सो आई थिंक इसमें ये मिस्टेक है। ट्राइक इज लाइक अ बाई डायरेक्शनल SCR होना चाहिए। इसमें दो होते हैं SCR बैक टू बैक। डाइक में हमारे पास 2 diode back to back होते हैं।
बाई डायरेक्शनल बट विदाउट अ गेट दैट इज अ डायोड, उसमें मेरे पास दो होते हैं डायोड बैक टू बैक. अच्छा कौन सा डिवाइस है जिसमें दो कनेक्शन होते हैं बेस के, जो हमारा जुजुटी है ना उसमें दो बेसिस होती हैं, एक मीटर होता है B1 B2, तो इसमें हमारे पास एक मीटर दो बेसिस होती हैं, Base 1, Base 2. यूजुअली इज नॉट यूज एज अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिवाइस के तौर, स्विचिंग डिवाइस के तौर पे यूज होते हैं बट नॉट एज एन एम्पलीफायर. नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है टनल डायोड की, टनल डायोड इज यूज फॉर ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज होते हैं. देखिए ना लो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ भी तो एक लो फ्रीक्वेंसी है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते. वैसे तो फॉलोइंग यूजेस टू जंक्शन ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, ये हमारे पास होता है वेरिस्टर यानी वेरिएबल रेजिस्टर. इन अ फोटो कंडक्टिव डायोड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज अ लाइट इंक्रीजेस. रिवर्स वोल्टेज जीनर में होता है, इसने इसका आंसर कुछ और किया हुआ है लेकिन ये जीनर में ही यूज़ होता है. लाइट एमिटिंग डायोड सिलिकॉन का नहीं होता, ये होता है गैलियम फॉस्फाइड का होता है. रिवर्स वाइज पी एन जंक्शन नो. गिव्स अ लाइट आउटपुट विच इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो. टेम्परेचर बढ़ेगा ना अगर LED का तो LED डैमेज हो जाती है, तो इसका इसलिए वजह से आंसर जो है डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है. इन पावर सप्लाई अगर इनपुट कैपेसिटर ही आपने शॉर्ट कर दिया तो आउटपुट पर क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, नो आउटपुट वोल्टेज. सर्किट ये है जी हमारे पास हाफ वेव वोल्टेज डबलर का है. अगर आप इसको पोलैरिटी देके देखेंगे ना प्लस माइनस की, तो फिर आपको समझ आएगी कि हाफ वेव वोल्टेज डबलर कैसे है. और जो फुल वेव वोल्टेज डबलर है उसकी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ. ये हमारे पास है फुल वेव वोल्टेज डबलर, इसमें आप देखें इसमें भी दो डायोड दो कैपेसिटर है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द हाफ वेव. सो ये हमारे पास हो गया हीटर्स फॉर वैक्यूम ट्यूब. नॉर्मली टेक अ वोल्टेज वो कितना लेते हैं जी, 6.3 वोल्ट लेते हैं. अब NTS जो है वो कॉन्सेप्चुअल की बजाय इस तरह के MCQ देने लग गए. कैपेसिटेंस ऑफ अ रिवर्स बायस PN जंक्शन, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, जब रिवर्स बायस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन.